गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 2 का चैप्टर 3 रीड करेंगे, चूहे राजा। ये कहानी किसके बारे में? एक चूहे के बारे में। एक चूहा उछलता कूदता जंगल से गुजर रहा था। एक चूहा उछलता कूदता कहाँ से गुजर रहा था? जंगल से। रास्ते में उसे एक लाल कपड़ा नजर आया। रास्ते में उसे क्या नजर आया? एक लाल कपड़ा। चूहे ने उसे सर पर रखा और खुद से बोला, आखा ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। चूहा क्या किया, उसे अपने सर पे रखे और खुद ही बोला, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, अगर इसकी टोपी बन जाए तो बड़ा मजा आए। उसने क्या कहा, अगर इसकी टोपी बन जाएगी तो बड़ा मजा आएगा। वो दर्जी के पास गया और बोला। वो कहाँ गया? दर्जी के पास। दर्जी भैया इस कपड़े की टोपी सी दो। वो दर्जी के पास गया और क्या बोला? दर्जी भैया इस कपड़े की टोपी सी दो। दर्जी बोला, पैसे हैं तेरे पास? दर्जी क्या बोला कि तेरे पास पैसे हैं? चूहे ने कहा, मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है। चूहे ने क्या कहा कि मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है। दर्जी मुंह बनाकर बोला, भाग यहाँ से, पैसे तो नहीं है, मैं टोपी सी दूँ। उसने क्या बोला कि पैसे तेरे पास तो है नहीं और मैं टोपी सी दूँ, भाग यहाँ से, नहीं सीऊँगा। तो उसने क्या बोला, चूहे ने क्या कहा, नहीं सीओगे? तो दर्जी ने क्या कहा, नहीं सीऊँगा। अच्छा तो सुनो, रात को मैं आऊँगा, अपनी फौज लाऊँगा, तेरे कपड़े काटूँगा, फिर तमाशा देखूँगा। तो चूहे ने क्या किया, दर्जी को धमकी दी कि रात में मैं आऊँगा अपनी फौज के साथ और तेरे कपड़े काटूँगा और फिर तमाशा देखूँगा। दर्जी चूहे से बोला, दर्जी क्या बोला चूहे से, नहीं चूहे राजा ऐसा मत करना। वो डर गया और फिर उसने बोला कि ऐसा मत करना, मैं अभी टोपी सी देता हूँ। उसने क्या बोला कि मैं अभी टोपी सी देता हूँ। ये कह के दर्जी उसके हाथ से कपड़ा ले लेता है। दर्जी उसके हाथ से कपड़ा लेता है और झटपट उसकी टोपी सी देता है तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मैं आगे का रीड करवाऊंगी। तब तक आप लोग भी इस चैप्टर को एक दो बार और अच्छे से रीड कीजिए। ओके, थैंक यू।